हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपको आपकी हिंदी की बुक का 7 चैप्टर कराने जा रहे हैं, जिसका नाम है रसोई घर। क्या नाम है बच्चों? रसोई घर। तो प्यारे बच्चों, हमने इसमें आपको सबसे पहले रसोई का चित्र दिखाया है कि रसोई के अंदर क्या क्या वस्तुएं होती हैं, क्या क्या सामान होता है, किस किस चीज़ की हमें रसोई के अंदर ज़रूरत पड़ती है। तो इसी से रिलेटेड इस कविता में आपको बताया गया है। तो आपको जो इसके क्वेश्चन आंसर आएंगे वो भी इस किचन के रसोई घर के डायग्राम से रिलेटेड ही आंसर आपको देने होंगे। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और पोयम को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। ऐपा आ की मात्रा आ जय क्या बन गया? आज। रे से सैप ओ की मात्रा सो ई क्या बन गया? रसोई। घे रे घर क्या बन गया बच्चों? रसोई घर। के कैप बड़ी ई की मात्रा की। खे खैप छोटी ई की मात्रा खी। डे के कैप बड़ी ई की मात्रा की खिड़की क्या बना? खिड़की। मैं मैप छोटा ऊ की मात्रा मुँह। आधा ने ने नैप आ की मात्रा ना क्या बन गया? मुन्ना। मैं पर छोटा ऊ की मात्रा मुँह। ने 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 पर बड़ी ई की मात्रा नी क्या बन गया? मुन्नी। खे खे पर ऊ की मात्रा खो ले क्या बन गया? खोल। रे है हे पर ए की मात्रा हे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज जब मुन्ना मुन्नी ने रसोई घर की खिड़की खोली तो उसके अंदर से क्या क्या देखा उन्होंने? ए पंकी बिंदी दे रे अंदर क्या बन गया? अंदर। दे दे पे ए की मात्रा दे। खे खे पे आ की मात्रा खा देखा। चे के ले ले पे आ की मात्रा ला चकला। बे बे पे ए की मात्रा बे ले ने बेलन। चे चे प आ की मात्रा चा। के कैप बड़ा ऊ की मात्रा कू क्या बन गया? चाकू। छे ले ने ने प बड़ी ई की मात्रा नी छलनी। बे बैप ओ की मात्रा बो ले बोल। रे है पे ए की मात्रा हे रहे हैं। आज जब मुन्ना मुन्नी ने खिड़की खोली तो उन्होंने अंदर देखा कि चकला बेलन चाकू छलनी आपस में क्या कर रहे हैं? आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? बातचीत
कर रहे हैं। मैं पा आई की मात्रा में, चै चै पा आ की मात्रा, चा कै कैप बड़ा ऊ की मात्रा, कू क्या बन गया चाकू, सै बै जै जैप बड़ी ई की मात्रा, जी क्या बन गया सब्जी, फै ले फल, कै कैप आ की मात्रा का, टै टैप बड़ा ऊ की मात्रा, दोनों के ऊपर क्या लगवा है बच्चों, बै के ऊपर और टै के चंद्र बिंदु, तो क्या बन गया बाटू। तो चाकू क्या कह रहा है बच्चों कि मैं सब्जियों के और फलों के छोटे छोटे टुकड़े करके सबको बांटता हूँ, क्या करता हूँ सबको बांटता हूँ। कौन छोटे छोटे टुकड़े कौन करता है, चाकू। गै गै पा आ की मात्रा, गा जै रे क्या बन गया गाजर, मैं पा बड़ा ऊ की मात्रा, मू ले लैप बड़ी ई की मात्रा, ली मूली, आधा पै ये प आ की मात्रा, या जै प्याज, टै मैं पा आ की मात्रा, मा टै रे टमाटर, छ प बड़ी ई की मात्रा, छी ले ले प ओ की मात्रा, लो छीलो, कै प आ की मात्रा, का टै टै प ओ की मात्रा, टो काटो, रे खे प ओ की मात्रा, खो रखो, सै जै जै प आ की मात्रा, जा कै रे सजा कर। प्यारे बच्चों चाकू कह रहा है कि मैं गाजर मूली प्याज टमाटर को छील कर काट कर प्लेट में सजा कर रखते हैं। तो चाकू बोलता है कि तुम मुझसे टमाटर भी काटते हो, मूली भी काटते हो, प्याज भी काटते हो और इन सबको छीलते भी हो। छीलने के बाद फिर इनको क्या करते हैं, काट कर प्लेट में सजा कर रखते हैं। तो बच्चों जो हम सलाद काटते हैं या फ्रूट्स वगैरह काटते हैं, सब्जी काटते हैं, तो हम किससे काटते हैं, चाकू से। अब आती है थाली की बात, थाली क्या बोल रही है वो देखते हैं। गै गै प ओ की मात्रा, गो ले गोल, चै चै प आ की मात्रा, चै के ऊपर क्या है बच्चों चंद्र बिंदु, दे क्या बन गया चांद, सै सैप बड़ी ई की मात्रा, सी है के ऊपर क्या है चंद्र बिंदु लगा हुआ है, और है में क्या है बड़ा ऊ की मात्रा, तो क्या बन गया हूँ। मैं पाई की मात्रा, मैं थे प आ की मात्रा, था ले प बड़ी ई की मात्रा, ली थाली, थाली कहती है बच्चों कि मैं चांद जैसी गोल हूँ। थाली किस तरह की होती है बच्चों, चांद की तरह गोल होती है। बै जै बज, सै कै तै तैप बड़ी ई की मात्रा, ती शक्ति, है
है के ऊपर चंद्र बिंदु और नीचे क्या लगा हुआ है, बड़ाऊ की मात्रा, क्या बन गया, ब न क र बनकर, तै तैप आ की मात्रा, ता ले लैप बड़ी ई की मात्रा, ली ताली, प्यारे बच्चों थाली बोल रही है कि मैं ताली की तरह बज सकती हूँ, किसकी तरह बज सकती हूँ, ताली की, जिस तरह हम क्लैपिंग करते हैं या ताली बजाते हैं, तो थाली कह रही है कि मैं उसकी तरह बज सकती हूँ। मैं पर छोटा ऊ की मात्रा, मू झ, मैं पे एक की मात्रा, में मुझ में, र रैप ओ की मात्रा, रो, टै टैप बड़ी ई की मात्रा, टी रोटी, स ब ज, जैप बड़ी ई की मात्रा, जी सब्जी, डै डैप आ की मात्रा, डा ले लैप बड़ी ई की मात्रा, ली डाली। अब वो बोल रही है कि मुझ में रोटी सब्जी डाली, यानी कि आप मुझ में मेरे मुझ में क्या रखते हो, रोटी और सब्जी। ऐपाऊ की मात्रा, आउ रे, क्या बन गया, आउर। स भैप बड़ी ई की मात्रा, भी सभी। ने नै पे ए की मात्रा, ने। झ टै पै टै, झटपट। ख खै पा आ की मात्रा, खा। ले लैप बड़ी ई की मात्रा, ली खाली। थाली क्या बोल रही है बच्चों, कि आप सभी मुझ में रोटी सब्जी रखकर सभी झटपट से क्या कर लेते हो, झटपट से हर कोई खा लेता है। तो हाँ, जब हम खाना खाते हैं किस में रख के खाते हैं, थाली में रख के तो खाते हैं। तो थाली बोल रही है कि आप सभी में मुझ में रोटी सब्जी रखकर झटपट से सभी की खा लेते हो। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी और समझ भी आ गई होगी। अगर आपको इस पोएम में कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, कुछ एक्सरसाइज है, वो आपको अपनी नोटबुक में करनी है। बच्चों ये फिलिंदा ब्लैंक्स दिए हुए हैं, आपको इनको कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक में। तो इसमें सबसे पहले क्या लिख रखा है, मैं चाकू हूँ। तो वो चाकू से हम क्या करते हैं, इसमें लिखा हुआ है। फिर मैं सब्जी, सब्जी के बाद ब्लैंक दिया हुआ है, तो इसमें आएगा चाकू क्या करता है, काटता है। किसी भी चीज़ को अगर हम काटते हैं तो वो किससे काटते हैं, चाकू से। तो इसमें आ जाएगा काटता हूँ। अब है चकला बेलन का डायग्राम दिया हुआ है, इसमें दे रखा है, लिखा है हम के बाद बच्चों दो के अद्वे हैं, खाली ब्लैंक्स दे रखे हैं। उसमें क्या लिखोगे आप, सबसे पहला लिखोगे चकला और उसके बाद लिखना है बेलन। इसमें आ जाएगा हम चकला बेलन हैं। उसके बाद सेकंड में चकले बेलन पे हम क्या करते हैं बच्चों, रोटी बनाते हैं। तो इसमें आएगा हम रोटी बेलते हैं। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या है बच्चों, छलनी, इसमें दिया हुआ है, इसी के सामने दे रखा है जो मैं ब्लैंक में आएगा, क्या है ये डायग्राम किस चीज़ का है, छलनी। तो इसमें आ जाएगा मैं छलनी हूँ। छलनी से हम क्या करते हैं, चाय छानते हैं। तो आगे नीचे आएगा मैं चाय छानती हूँ। उसके बाद है बच्चों थाली, इस थाली दे रखी है, तो मैं दे रखा है, मैं के बाद क्या आएगा, थाली।
तो ये हो जाएगा मैं थाली हूँ। फिर उसके बाद मुझमें के बाद ब्लैंक है, फिर दे रखा है खाओ, क्या खाओ मुझमें, थाली में हम क्या खाते हैं, खाना, तो इसमें आ जाएगा मुझमें खाना खाओ। उसके बाद है मैं छिलनी हूँ, छिलनी बोलते हैं बच्चों, ये भी एक चाकू ही होता है जिससे हम छीलते हैं, जैसे आलू को, लौकी को, खीरे को, इस तरह जो भी चीज़ हम छीलते हैं उस जिससे छीलते हैं उसको क्या बोलते हैं, छिलनी। लास्ट में आएगा मुझसे छिलका निकालो, इससे क्या करते हैं हम बच्चों, छिलका निकालते हैं किसी भी चीज़ का। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, इसमें बोला है रसोई घर का चित्र देखो और बताओ। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमने सबसे पहले आपको रसोई घर का चित्र दिखाया है, तो उसको देखकर आपको इसमें ट्रू या फॉल्स करना है। वैसे मैंने मार्क कर दिया है, पर आप रीडिंग जब लर्न करोगे तो उससे उस पिक्चर को देखकर आपको जल्दी ही याद हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट दे रखा है पतीला चूल्हे के नीचे है, तो ये बताओ ये सही है या गलत। अब हम जब खाना बनाते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम पतीले के नीचे थोड़ी ना, उस चूल्हे के नीचे थोड़ी ना पतीला रखते हैं, तो इसमें क्या आएगा, रोंग फाल्स आ जाएगा। चूल्हा अंगीठी के अंदर है, ये भी फाल्स है। टोकरी में आम रखे हैं, टोकरी में आम रखे पे नहीं है, तो इसमें भी क्या आएगा, फाल्स आएगा। उसके बाद अक्से चावल बिन रहा है, बिनने का मतलब होता है बच्चों साफ करना। अक्से क्या कर रहा है, चावल साफ कर रहा है, आपको पिक्चर में दिख रहा है, दिख जाएगा, आप अगर पीछे बैक करके देखोगे तो उसमें सब दिया हुआ है, तो इसमें आ जाएगा ट्रू। माँ खाना बना रही है, इसमें भी क्या आएगा बच्चों, ट्रू आएगा। फिर है आले में लालटेन रखी है, ये भी क्या है बच्चों, ट्रू है। उसके बाद 7 नंबर पे दादी किताब पढ़ रही है, तो बच्चों इसमें दिया हुआ है कि दादी क्या कर रही है, बुक पढ़ रही है, किताब पढ़ रही है, तो ये भी ट्रू है। उसके बाद सुहानी खिड़की से झांक रही है, तो इसमें दिख रहा है आपको, इसमें सुहानी किसका नाम है, बिल्ली का नाम है, कैट का नाम है, तो इसमें ये झांक रही है, तो ये इसमें भी ट्रू आ जाएगा। उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ क्या काम हो रहा है, उसके ऊपर आपको गोला बनाना है। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं बच्चों, सेकना, बेलना, तलना, तो इसमें क्या आएगा, तलने पे हमें सर्कल करना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किन से काटोगे, तो हम किस किस चीज़ से काटते हैं, चाकू से काटते हैं। उसके बाद पेंसिल, उसके बाद दाओ, उसके बाद कैंची, इन सब के ऊपर आपको मार्क करना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किससे क्या काटोगे, इसमें दे रखा है कपड़ा, कागज, आम, बैंगन, रस्सी, सेब और गन्ना। उसके नीचे फिर एक बॉक्स दे रखा है, तो इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एक बॉक्स में लिखना है जो हम कैंची से काट सकते हैं, और दूसरे बॉक्स में लिखना है जिससे जो हम चाकू से काट सकते हैं। तो कैंची से हम क्या क्या काटते हैं बच्चों, कपड़ा काटते हैं, कागज़ काटते हैं और
रस्सी काटते हैं और चाकू से आम, बैंगन, सेब और गन्ना। तो ये आप सबको अपनी नोटबुक में करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिंदु जोड़कर चित्र पूरा करो। तो बच्चों ये एलिफेंट का, हाथी का डायग्राम है, तो ये आपको इस तरह से अपने डॉट डॉट पर पेंसिल फेर के इसको कंप्लीट करना है। तो प्यारे बच्चों ये पूरा वर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है और जब स्कूल खुलेंगे तो आपकी नोटबुक चेक हो जाएगी।